खबर लोटवाड़ा से। लोटवाड़ा गांव में जलदाय विभाग ने करोड़ों रुपए का उच्च जलाशय बनाया, जिसमें कर्मचारी समय पर काम नहीं करता है, जिससे आमजन को पानी की समस्या कई महीनों से चल रही है। मंगलवार को ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। वाटर बॉक्स के तले लगाकर आमजन का कहना है कि लोटवाड़ा गांव के आमजन गर्मी के मौसम में बूंद बूंद पानी की समस्या से जूझ रही है। यदि नल आते भी हैं तो 8 या 10 के दिन में अंतराल में या फिर 5 या 6 मिनट ही आते हैं। कई गांव में तो और बोरिंग में पानी की समस्या रहती है, लेकिन यह पानी होते हुए विभाग की कमी से समस्या होती जा रही है। ग्रामीणों ने कर्मचारी को फोन पर जवाब मांगा तो जवाब मिला, मैंने तो विभाग को अवगत पहले ही करा दिया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में ठाकुर लोकेंद्र सिंह सरपंच ने भी कई बार जयन को अवगत करा दिया, लेकिन विभाग का कोई ध्यान नहीं होने से आमजन में रोष व्याप्त है और कर्मचारी को बदलने की उच्च अधिकारियों से गुजारिश की। इस मौके पर चौतमल सैन, मोहित अग्रवाल, निरंजन जांगिड़, अशोक जांगिड़, जसवंत बैरवा, जयप्रकाश सैन, गोपाल बैरवा, गमन बैरवा, विजय सिंह, सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। लोटवाड़ा में साहब पानी की समस्या व्याप्त, कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं है, कोई आता नहीं है नल खोलने के लिए। यहाँ पे आज 15 दिन हो गए हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और IN JN सबको अवगत करा दिया गया है और यहाँ का जो निजी वो है स्टाफ उसको भी अवगत करा दिया गया है जगराम जी को, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करें। हर 2 दिन मोटर खराब हुए, हर 2 दिन मोटर खराब हो जाती है, कोई किसी का कोई ध्यान नहीं है, जला देते हैं, टंकी बेकार हो रही है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम सरकार से कहेंगे टंकी को बिल्कुल यहाँ से हटवा दो और कर्मचारी को दूसरी जगह शिफ्ट करो, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। 5 दिन में 2 मिनट देना परिनार लगा दे।